नमस्कार, विवेक गुप्ता और इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज 24 जून सुबह का समय है और सबसे पहले आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो हम सब वेट कर रहे थे कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, तो एक देखिए फिगर आई है। कुछ खास उसका वैल्यू नहीं है कि जो 1563 बच्चों ने पेपर लेना था उसमें से 750 ने नहीं लिया। कुछ लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और कुछ इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि 813 बच्चों ने ले लिया। देखिए, जैसा कि पहला मैं तो हमेशा कह ही रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके लेट से ऑलरेडी किसी के 450 नंबर हैं, उसको मालूम है कि मेरे को एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर वो रिस्क नहीं लेता कि कहीं इस बार नंबर और गड़बड़ ना हो जाए। और ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू आया था, अगर आपने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखी हो, जो बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई गई थी स्पेशली झज्जर के केस को लेके, कि वहीं के कुछ स्टूडेंट थे जिनको 718 मिला था या 720 भी मिला था, कि कैसे उसे ग्रेस मार्क दिए गए थे फ्रॉम 640 टू 718। और उस बच्चे ने फैसला किया था कि मैं रीअपियर करूँगा, पता नहीं कराया कि नहीं कराया, क्योंकि वो उसको अब मालूम है, उसको सब कुछ देख के 640 पे सरकारी सीट नहीं मिलेगी अगर आप खासकर दिल्ली हरियाणा के जनरल डोमिसाइल हो। तो इस तरह आधे बच्चों ने फैसला किया कि हम पेपर दोबारा लेंगे, आधे बच्चों ने फैसला किया पेपर दोबारा नहीं लेंगे। CBI इंक्वायरी बैठ चुकी है, हम जानते ही हैं, CBI ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। और फिर से वंस अगेन इन्हों लोग मुझसे पूछते हैं, और पता नहीं क्यों, जब मैं कहता हूँ कि रीनीट दोबारा होने की उम्मीद नहीं है तो खामखा में कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, वीडियोस को डिसलाइक भी करते हैं। और देखिए, मेरा यू नो एज ए इंटेलिजेंट पर्सन मेरा काम ये है कि वो बताना क्या हो रहा है। मैं एक छोटे से चैनल में थोड़े बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं, आई डोंट थिंक कि मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ कि मेरी बात सुन के CBI या NTA अपना फैसला बदल लेंगे, जो वो ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। बट बीइंग इंटेलिजेंट गाय, शायद मैं ये देख पाता हूँ कि क्या होने वाला है। वही आप लोग मेरी तारीफ़ करते हैं जब असली काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कि आई एम एबल टू टेल यू गाय जनरली कि कट ऑफ कैसे जाएंगी, किस राउंड में किस कॉलेज की सीट मिल जाएगी। और उसी वजह से हम अपने जो पेड क्लाइंट्स होते हैं उनकी काफ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बचा पाते हैं। तो जो लोग हमारे साथ इस साल जुड़ चुके हैं उनको मेरे 2-3 सेशंस में इस चीज़ का आइडिया लग जाता है। और ख़ासकर जिन्होंने पिछले 4-5-6-8 साल में काम कराया है, कभी आपको कोई मोह मिलेगा तो वो बता देगा कि किस तरह सर एक प्लानिंग के साथ चलते हैं ताकि हमारा डिपॉजिट ख़राब ना हो। वो देखो, प्लानिंग कैसे आती है, प्लानिंग ऐसे तो आती है ना कि आप एक्सेल शीट देख के, डेटा देख के, अलॉटमेंट देख के जजमेंट करते हैं हम कि अगर राउंड 2 का ट्रेंड ये जा रहा है, राउंड 1 का ट्रेंड ये जा रहा है, तो इन ट्रेंड्स के हिसाब से अगले राउंड में कौन सा कॉलेज किस रैंक पे ख़त्म होगा। और जब मैं ऐसे करता हूँ तो आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। होगा जो अगले 2-2.5 महीने में, अगर नीट दोबारा नहीं हुआ और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई 7 या 15 जुलाई तक मैक्सिमम। पहले मैं हमेशा कहता था 1 जुलाई से हो जाएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी और अब कल पेपर हुआ है, अब 750 चूँकि बच्चों ने दोबारा पेपर दे दिया है और 850 से नहीं भी दिया है, तो ग्रेस मार्क हटने की वजह से उन 1500 की रैंक चेंज होगी, जिसके हिसाब से अगेन मेरा अनुमान है कि एक बार हम सबके रैंक कार्ड दोबारा आएंगे, तो जब भी रिजल्ट आएगा यू ऑल शुड बी रेडी टू टेक आउट योर रैंक कार्ड्स, क्योंकि वो रैंक कार्ड्स हमको दोबारा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर अगले 2-2.5 महीने में काउंसलिंग होती है और सितंबर एंड तक ख़त्म होती है, तो फिर आप वो देखेंगे कि कैसे मैं एस्टीमेट लगाता हूँ। और उसी बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो होता है ना पिछले 2 महीने से हो रहा है कि जितने एजिटेशंस हो गए या हो गए, सरकार ने NTA हेड को हटा दिया, CBI इंक्वायरी बैठा दी, बट देर इज़ नो सिग्नल ऑफ रीनीट। और देखिए, मैं वही कहता हूँ फिर से, कारण सिर्फ 2 हैं। एक, जो 4-5-6 जगह आउट हुआ CBI ये कह देगी कि हमने सबको पकड़ लिया, 200-300 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना पकड़े निकल गए और उनका पेपर भी हो गया एंड दे वुड हैव स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, 500 भी हो सकते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है, ये हर साल होता है। तो 60,000 सीटों में से, सरकारी सीटों में से, अब 1% 600 सीटें मान सकते हो जो कि अनडिज़र्विंग बच्चों को चली जाती हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ एट अ पर्सनल लेवल, पर मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ जी, आई एम अपर मिडिल क्लास पर्सन, तो जब मेरे टैक्स से आप फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री बस सेवा, फ्री DTC बस, फ्री ये फ्री वो देते हो, तो भी तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही हूँ ना विद हैवी हार्ट। मेरा मन नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो एज ए अपर मिडिल क्लास गाय मेरा काम है देना, ताकि वो जो पुअर और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको मिल जाए। तो उस चीज़ को मैंने अपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, समझे बात को आप, मैं उस चीज़ को फेवर नहीं कर रहा ना। आई एम नॉट सेइंग कि 200 यूनिट बिजली देना अच्छी बात है या फ्री राशन देना अच्छी बात है या
फ्री पानी देना अच्छी बात है या फ्री बस देना अच्छी बात है या फ्री 2000 रुपये पर मंथ किसी को देना अच्छी बात है, क्योंकि वो पैसे अल्टीमेटली आपके हमारी जेब से जाते हैं, जो जो टैक्स पेयर है जो अपर मिडिल क्लास सेगमेंट से बिलोंग करता है, रिच क्लास से बिलोंग करता है। बट हिंदुस्तान में रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली रिजर्वेशंस एट ए पर्सनल लेवल आप उसके फेवर में हो या ना हो, लेकिन आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। फिर जब एक्सेप्ट करना ही है तो खुशी से कर लो। सिमिलरली हर साल 600 बच्चों को अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज नीट में मिलता है और ऐसे ही हर पेपर में मिलता है, दैट आई कैन अश्योर यू। हमने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं भी फादर हूँ, जो मेरी डॉटर ने भी बाई चांस पर 12th ही पास करी है नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और उसे भी सीयूटी का एग्जाम दिया है फॉर द कोर्स दैट शी वॉन्ट्स टू डू, और उसमें भी क्या पता उसको वो डीम कॉलेज ना मिले क्योंकि किसी और ने पेपर आउट करके वो सीट ले ली। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। ये भी पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 6000 में से 600 सीटें ऐसे जाएंगी या 1000 चली जाएंगी, 6000 या 30000 नहीं जाएंगी। क्योंकि जब इतना बड़ा स्केल पे पेपर आउट होगा तो फिर वो सबको पता चल जाएगा, वो अखबार में छप जाएगा, जिसे कहते हैं ना वो हर के पास फिर पहुँच जाएगा, क्योंकि ये खुराफाती लोग भी होते हैं हिंदुस्तानी। तो फिर से आई थिंक CBI इंक्वायरी से कुछ लोग पकड़े जाएंगे, उसके बाद उनको सजा भी हो जाएगी, उन पर केस चलेगा, और शायद यही आएगा कि देखो जी हमने पकड़ लिया है और ये कंट्रोल्ड पेपर लीक था, जिन जिन लोगों ने पेपर लीक करा था उन्हें हमने पकड़ लिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आराम कीजिए, घर जाइए और रिलैक्स कीजिए। ओके, सो ये कहानी, ये चीज़ हो सकती है, होने वाली है, और उसके हिसाब से आप अगेन अपनी प्लानिंग करना शुरू कीजिए। मैं आपको वही रिपीट करता हूँ कि अपने काउंसलर्स के साथ मिलके आपकी रैंक जा सरा 1000 ही ऊपर नीचे होगी तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड टिल आप बिल्कुल उस टच पे हैं कि सरकारी सीट से सिर्फ 200 रैंक नीचे था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सरकारी सीट मिलने वाली है या जो कस्तूरबा लेना चाहता था। देखिए एक रैंक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, बहुत दुख होता है, मैंने बच्चा देखा हुआ है, लास्ट में मेरा एक क्लाइंट था जो सरकारी सीट से एक रैंक से रह गया था, एक मतलब उसके अगले बच्चे को मिल गई थी सीट। तो एक एक रैंक इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा जब नए स्कोर कार्ड आएंगे। तो ये हफ्ता जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी कहा था, जस्ट कीप योर प्लानिंग डन, आई थिंक ये कोशिश करेंगे कि रिजल्ट फिल 30 तारीख से पहले दे दें, और 30 को रिजल्ट आएगा तो सिर्फ इनका नहीं आएगा, आई थिंक सबका दोबारा आएगा, और उसके बाद आई थिंक MCC अपना नोटिफिकेशन दे देगी, ताकि जनरली ये लोग ना मंडे को स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग, जो प्रोसेस होती है मतलब कि रजिस्ट्रेशन ऑफ MCC, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 जुलाई, नहीं तो 8 जुलाई, नहीं तो 15 जुलाई से लेट नहीं होना चाहिए, अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा जैसे फिलहाल चल रहा है। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है लुकिंग एट करंटली, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी लोग हमसे फ़ोन करके मेरे क्लाइंट से पूछते रहते हैं, तो ये वीडियो सबको हेल्प करता है कि क्या करंट सिचुएशन है और उसके हिसाब से क्या होने वाला है, तो आप भी अपना माइंडसेट उसके हिसाब से बना लीजिए। जो बच्चे 640 वाले 630 वाले, एक तरफ से देखिए आप अपना एजिटेशन चालू रखिए, बट मैं कहूँगा कि लेट योर पेरेंट्स डू इट, जिसके पास भी समय, एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एजुकेशन अगले साल, या रीनीट भी हो जाए तो भी, तो पढ़ाई तो करनी है ना, तो स्टूडेंट्स का काम है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे, एंड लेट पेरेंट्स फोकस ऑन काउंसलिंग और केसेस वट एवर यू विश टू डू एज ऑफ नाउ। ओके, हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, और मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट स्केल पर अगर फिर भी पेपर लीक हुआ है तो ज़रूर दोबारा पेपर हो, और अगर 500-600 बच्चों को बेनिफिट मिला है जो हर साल मिलता है, तो ये हाईलाइट देखिए सिर्फ इसलिए हो गया ना कि वो 719 नंबर दिए गए। ओके, सो फिर से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, और हमसे संपर्क करना चाहें यू नो द नंबर 9643362320। बाय बाय।